मैं उनसे सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं मिलती हूँ, मेरे उनसे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, मेरे भाई हैं। तो जो भी वो स्कीम लेके आते हैं हम उसको बहुत सीरियसली देखते हैं। आज उन्होंने हमसे दो बातें कही, एक हज के सिलसिले में कि तेलंगाना में हज का कोटा बढ़ाने के लिए। मैंने उनको बताया कि मैं देखती हूँ कि मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ, इसलिए कि जो कोटा कम हुआ है वो सऊदी गवर्नमेंट की कम करने की वजह से हुआ है। अभी प्रधानमंत्री तशरीफ ले गए थे सऊदी अरब, उनकी क्या बातचीत हुई है वहाँ पर। अगर सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ कोटा बढ़ाया है इस साल के लिए तो यकीनन हम उसमें से तेलंगाना का बराबर हक रखेंगे और ध्यान देंगे कि उनको ज़्यादा मिले, ताकि वहाँ के जो लोग जा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जो चार दफ़ा अप्लाई करते हैं वो रिज़र्व कैटेगरी में आ जाते हैं तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलता है, इसलिए उनका कोटा उस लिहाज से नए हाजियों के लिए कम हो जाता है। तो मैं उनकी इस बात को समझती हूँ। दूसरी चीज़, उन्होंने मेरे जो माइनॉरिटी मंत्रालय से ताल्लुक़ के जो हमारे स्कॉलरशिप है, हमारी स्कीम है, हम जो MSDP के लिए डेवलपमेंट का काम करते हैं, हम जो विकास के लिए स्कूलों के लिए देते हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने स्कूल बनाने का निर्णय लिया है कि वहाँ स्कूल बनाएंगे, ज़मीन वो देंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे।